तो आज की वीडियो में हम वीएस कोड को इंस्टॉल करना सीखेंगे। सबसे पहले आपको आपके ब्राउजर में आ जाना है। यहाँ पे सर्च करेंगे वीएस कोड डाउनलोड। फर्स्ट वाले लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे वीएस कोड का लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सिस्टम यूजर और ये बहुत सारे यूजर्स के लिए आ रहा है। आपको सिस्टम यूजर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सिस्टम यूजर पे सामने क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ी देर बाद ये जैसे ही डाउनलोड हो जाता है फोल्डर पे क्लिक करेंगे। फोल्डर पे क्लिक करने के बाद वीएस कोड ओपन हो जाएगा। वीएस कोड पे राइट क्लिक करेंगे सेटअप फाइल पे, उसके बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट। अब नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे, ये सभी बॉक्सेस को चेक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट। ये थोड़ा टाइम लेगा, इसको वेट करेंगे। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिनिश कर देंगे। ये आपका वीएस कोड इंस्टॉल हो चुका है। अब जैसे ही आपका वीएस कोड अपने आप लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद लॉन्च होने के बाद आप कोई भी आपके हिसाब से कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं अलग अलग थीम्स आ रही हैं, इनको चेक करके देख सकता हूँ कौन सी थीम मेरे लिए सही रही है। जैसे कि मैं मेरा हाई कंट्रास्ट थीम यूज करता हूँ तो मैं वो सेट कर लूंगा। जैसे ये मैंने हाई कंट्रास्ट थीम सेट कर ली। उसके बाद इस वेलकम फाइल को क्लोज कर देंगे। न्यू पे जाएंगे, न्यू फाइल पे जाएंगे, इधर क्लिक करेंगे न्यू फाइल पे, इधर है ना फाइल नेम डालेंगे और साथ में उसका एक्सटेंशन डालेंगे। सपोज मैं सैम्पल डॉट टी एक्स टी नाम से एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सैम्पल डॉट टी एक्स टी मैंने क्रिएट करके जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो एक फोल्डर की लोकेशन आ जाएगी। मतलब मुझे एक फोल्डर कहाँ पे सेव करना है ये फाइल, सी ड्राइव, यहाँ पे एक मैं फोल्डर बना लूंगा मेरे प्रोग्राम्स के नाम से। यहाँ पे प्रोग्राम्स नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। इसके बाद सेव कर देंगे, इसके अंदर सेव कर देंगे।